हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके इस रिलेशनशिप का पास, प्रेजेंट, नियर फ्यूचर और आगे का फ्यूचर, ठीक है? देखते हैं आज किसकी एनर्जीज निकल के आती है। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, किताब पर ध्यान ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से, महीनों से इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है? तो आपके इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या है, जो मैसेज जीनियर्स इस वक्त मेरे यूवर्स की इस रिश्ते का पास्ट बताए, क्या था पास्ट इनके रिश्ते का। एस ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, फोर ऑफ सोल्स, फोर ऑफ वैंड्स, जस्टिस, सिक्स ऑफ वैंड। आपके पार्टनर स्ट्रांगली जेमिनी पर आए, फिर मिथुन तुला कुंभ राशि, एरिज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, कर्क वृश्चिक मीन राशि के हो सकते हैं। नंबर है यहाँ पे 1, 4, 4, 11, 6। आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकते हैं। 444 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा। तो यस, इस रिलेशनशिप की पास्ट की अगर बात करूँ तो पास्ट में आपको डेफिनेटली आप जस्टिस का इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके साथ गलत हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है जिससे कि आप रात रात भर रोए हो, बहुत ज़्यादा आपको सताया गया है इस रिश्ते में। और चांसेस स्ट्रांग है कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी इस रिश्ते में आई है, क्योंकि यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि रोमांटिक थर्ड पार्टी को शो करता है, जो कि आपने बहुत ज़्यादा दिल से दुआ की है इस रोमांटिक थर्ड पार्टी को आपके इस रिलेशनशिप से निकलवाने के लिए। इस रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में सोच सोच के आप बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में तो आपको मतलब पागलों जैसी फीलिंग आने लगी थी। आपको ऐसा लगने लगा था कि शायद आपकी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, शायद कभी खुशियाँ एंटर नहीं करेगी। पता नहीं आप ही के साथ ऐसा क्यों होना था, जिसके साथ अपने शादी के सपने देखे वही पर्सन आपके साथ इनजस्टिस करके चला गया। आपको शादी के प्रॉमिस करके, मतलब कि इतनी कस्में खाई थी आपके साथ कि आपको एंड तक साथ दूंगा, मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं, इमोशंस भी इन्होंने आपको बताए थे, प्रपोज भी इन्होंने आपको स्टार्टिंग में किया था, जो कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते कि जो स्टार्टिंग में रेडी नहीं हुए थे, ईजिली इस रिश्ते में जाने के लिए रेडी नहीं हुए थे। प्रपोज सामने से आया था, जताया गया था कि आपसे प्यार कितना करते हैं, बहुत आपके इमोशंस के साथ इस रिश्ते में खेला गया है। और जैसे कि आपको अभी जस्टिस के लिए तरसाया गया है, फिर भी आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, आपको प्रॉमिस करके किसी और से शादी कर दी है और आपको जैसे कि इस तरह से रोते हुए छोड़ के चले गए हैं। बहुत ज़्यादा रोए आप इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा दिल से आपने बददुआएं दी आपके पार्टनर को। और जैसे कि जजमेंट का कार्ड है, आपको वेटिंग एनर्जीज में आपके पार्टनर ने डाल दिया है। आप तब से लेके आज तक इंतज़ार ही कर रहे हो कि आ जाएगा, वापस आएगा, ये थर्ड पार्टी चली जाएगी, हमारा रिश्ता स्टार्ट होगा, सब कुछ ठीक होगा। आप बहुत पॉजिटिव होने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर भी नेगेटिव थॉट्स आपका पीछा नहीं छोड़ते। इस तरह का पास्ट है आपके इस रिलेशनशिप का। हम देखते हैं आपके इस रिश्ते में करंट में क्या चल रहा है। करंट एनर्जीज में आया है द मून का कार्ड, जो पहला आया है, जो यही शो करता है कि करंट पे आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ रीयूनियन के लिए। किसी से बता रहे हैं कि वो आपके बिना कितने सैड है, कितने डिप्रेस्ड है, पागल हो रहे हैं, तरस रहे हैं, रोना आता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पे जैसे कि थर्ड पार्टीज भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, ऊपर से डीमोटिवेट हो चुके हैं। और ये सारी बातें जिससे भी शेयर कर रहे हैं वो पर्सन इनको आपके बारे में और ज़्यादा भड़का रहा है, और ज़्यादा जहर घोल रहा है इनके माइंड में, और जो कि आपके पास आने से रोकने का बहुत ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि सेंटर में टावर आया है। आज भी आपके पास आना चाहते, दिल से रिश्ता स्टार्ट करना चाहते, लेकिन ये कान के इतने कच्चे हैं कि अपने दिमाग से, जैसे कि अपने आप को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो समझते हैं, लेकिन जब आपकी बात आती है उस टाइम पे जो कि अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते, वो उस टाइम पे लोगों की बातें सुनते हैं। ये जो भी थर्ड पार्टीज है, आपको पता है थर्ड पार्टीज कौन है,
कि इनकी बातें सुनते और इनकी बातों पे भरोसा करने का दिल नहीं भी करता है, फिर भी जो कि मतलब कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जो भी बोल रहे गलत है, मतलब कि आपके कैरेक्टर के बारे में बोल सकते हैं, या तो आप किस तरह से इनके लिए सही नहीं हो, ऐसा कुछ बताने की कोशिश करते हैं। और जो कि इनका दिल करता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन मेरा है, मुझसे बहुत प्यार करता है और इसकी वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। इनका दिल ऐसा बोलने को करता है लेकिन ये मानते नहीं हैं। जब एक्शन लेने का टाइम आता है, जब आपसे बात करने का टाइम आता है, तो इनको इनकी बातें याद आ जाती है, जो जहरीली बातें हैं जो इनको आपके पास आने से रोकती है। और करंट में जो कि अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं या अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख रहे हैं अपने काम में, अपने फाइनेंसिस को अट्रैक्ट करने में, और जैसे कि आपकी याद ना आए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं काम का, ओवर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेके, क्योंकि इनको रातों को भी नींद नहीं आती है, दिन में भी 24/7 सोचते रहते आपके बारे में। तो ये सोचना मेरा बंद होना चाहिए, मुझे पागल नहीं होना है, तो जो कि मैं और काम करूँगा, दिन रात जागना है तो मैं मेहनत करूँगा, मैं पैसा लाऊँगा, और जो कि मेरे प्रैक्टिकल लाइफ, मेरा फाइनेंस अच्छा बनाऊँगा। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज में यही आया है, टावर देना चाहते हैं आपको या आपको और ज़्यादा इंतज़ार कराना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मतलब कि सेल्फिश, अपना सेल्फिश बिहेवियर जो इन्होंने आपको पास में दिखाया था उसी को वो करंट में फॉलो कर रहे हैं आपको। जैसे कि मैंने बोला, तब से लेके आप आज भी इंतज़ार कर रहे हो, ये करंट में भी आपको इंतज़ार ही कराना चाहते हैं। टावर दे दिया है इन्होंने आपको, आप इनसे आज भी जैसे कि गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, आपको आपका दिल आज भी करता है कि आज आपके साथ जस्टिस होगा, आज ही आएगा या आपको बताएगा कि आपके लिए कितना मर रहा है, कितना तरस रहा है, कितना प्यार करता है आपसे, उनसे गलती हो गई आपसे मूव ऑन करके, ऐसी बातें सुनने के लिए आपके कान तरस रहे। लेकिन जो कि आपको यही एनर्जी फील होती है कि पता नहीं ये कभी आएगा भी कि नहीं, या सच में मुझसे हमेशा के लिए भाग तो नहीं गया, आपको भी अब ऐसा लगने लगा है। सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जीज है, आपको इनकी तरफ से चीटिंग की वाइब्रेशंस आने लगी हैं, लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको छोड़ के किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट कर लिया होगा। अगर ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो किसी और रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता स्टार्ट कर लिया होगा आपको। जैसे कि आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छा देख पा रहे हो, आपको इनको देख के ऐसा लगता है कि मतलब कि आपको याद ही नहीं करते हैं, शायद इनको अभी आपकी ज़रूरत भी नहीं है, और ये जैसे कि आपको कंप्लीट भूल चुके हैं, आपको इनको देख के ऐसा लगने लगा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपके इस रिश्ते का होगा क्या। ये करंट है, अगर पास्ट और प्रेजेंट आपसे मैच हुआ है, ठीक है, तो हम देखते हैं आपके इस रिलेशनशिप में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। टू मैसेज दी यूनिवर्स, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। टू मैसेज दी, इनके इस रिश्ते में नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। यस, नियर फ्यूचर में जैसे कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ ऑफर आएगा जो कि बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे कि यस वो आपके साथ रिश्ता स्टार्ट करने के लिए रेडी तो है, लेकिन आपको जैसे कि थर्ड पार्टी के साथ बैलेंस करना पड़ेगा, या आपके लिए अपने थर्ड पार्टी को छोड़ के नहीं आएंगे, मतलब कि जिस जस्टिस का आप इंतज़ार कर रहे हो वो जस्टिस वो आपके साथ करने के लिए रेडी नहीं है, वो जस्टिस आपके साथ ऐसा करेंगे जो इनको लगे कि वो जस्टिस है, इस तरह से। और अगर आप ये बात नहीं मानते तो शायद वो आपसे मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन ये आएंगे ज़रूर आपको ये बताने के लिए कि वो आपको कितना दिल से आज भी प्यार करते हैं, आज भी आपकी एक आवाज़ पर वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आपकी वही बात नहीं मानेंगे जो कि आपको जस्टिस दिलाना चाहती है। वो नहीं चाहेंगे कि कभी भी वो आपके लिए अपने घर वालों को तकलीफ दे, अपने घर को तोड़े, अगर इन्होंने शादी करी तो अपनी मैरिज को तोड़े, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। और आप कन्फ्यूज़ रहोगे फ्यूचर में कि ये कैसा प्यार है, अब मैं क्या करूँ, मतलब कि इसको स्वीकार करूँ कि मैं खुद भी मुआन हो जाऊँ, आप इस तरह से कन्फ्यूज़ रहने वाले हो नियर फ्यूचर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी होगी कि जो आपको मुआन भी नहीं करने देगी और जो कि जस्टिस भी नहीं देगी, आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत लगानी पड़ेगी इनसे मुआन होने के लिए, और जो कि किसी एक को चूज़ करने के लिए, मतलब कि आपके पार्टनर का इंतज़ार या तो किसी और के साथ रिश्ता स्टार्ट करना, घर वाले बोल रहे हो वहाँ से जैसे कि मैरिज करना, अगर आप पहले से मैरिड हो तो जो कि इनसे हमेशा के लिए मूव ऑन करके अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाना, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जीज की ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में। ये नियर फ्यूचर है, हम देखते हैं इससे आगे के फ्यूचर में क्या हो सकता है। ट्रू मैसेज यूनिवर्स, इससे आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है इनका, इससे आगे का फ्यूचर क्या हो सकता है इनका। यस, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा, बहुत, मतलब कि आप इंतज़ार कर करके थक जाओगे,
और इनका एक्शन आपको बहुत लेट आएगा फिर इसके बाद, जो कि मैंने बोला या आप इनकी बात नहीं मानने वाले हो, फिर ये आपको मतलब आपसे मूव ऑन करके फिर से चले जाएंगे। उसके बाद बहुत टाइम के बाद इनका आपको मतलब कॉल मैसेज आएगा, जिससे कि 7 महीने कम से कम 1-2 साल भी लग सकते हैं एक बार जाने के बाद वापस आने के लिए। ये आपके इतने सारे सवाल मतलब सोच के ही रखेंगे, क्योंकि तब तक क्या होगा पता है, जो भी डिस्टेंस देने वाले हैं उस टाइम पीरियड में इनको ये गलती समझ में आ जाएगी कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। मतलब जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है ना, वो सच में इनजस्टिस है, ये फील होने में इनको इतना टाइम लगेगा। ये डरेंगे आपके लिए एक्शन लेने के टाइम पे, आपके सवालों का मैं क्या आंसर दूं, और उस टाइम पे ये अकेले रहने वाले हैं। ये सबके साथ होने के बावजूद ये अकेले रहेंगे, इनके साथ कोई नहीं होगा, कोई इनसे प्यार करने वाला नहीं होगा, सैड एनर्जीज में रहेंगे, डरेंगे अपनी ज़िंदगी को जीने से। और जैसे कि मैंने जो भी सेल्फिश बिहेवियर किया है, इन्होंने जो भी सेल्फिश बिहेवियर आपके साथ किया है, उस बिहेवियर से वो डरेंगे कि अब जो कि अगर आपके सामने आते हैं तो उस टाइम पे आपका क्या होगा पता है, आप इस एम्परर की पोजीशन पर रहने वाले हो। मतलब कि उस वक्त आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहने वाली, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके होंगे। एक किंग, अगर आप लड़का हो तो एक किंग बन चुकी होगी, मतलब आप सोचो आपकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, उस टाइम पे आपको इनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। या आपके लिए रोएंगे, तरसेंगे, आपको कैसे कैसे मतलब कि पुराने दिन याद दिलाएंगे कि मैं हमारा प्यार कैसा था, हम कैसे एक दूसरे के लिए मरते थे, तो आज तेरा प्यार कहाँ गया। लेकिन उस टाइम पर आप इनको बहुत कुछ सुनाने वाले हो, और वो भी बहुत ज़्यादा ईगो में, और आपको इनकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, ऊपर से आपको गलत सलत बोलते टाइम बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो भी इन्होंने आपको तकलीफ़ दी है वो तकलीफ उस टाइम तक जो कि आप भूल भी चुके होंगे, और जो कि इनको आपने दिल से माफ़ भी कर दिया होगा। लेकिन जब ये सामने आएंगे तो इनका फेस देख के आपको सब याद आएगा, और सारा गुस्सा आप इनके ऊपर निकाल दोगे इस तरह की एनर्जी। उसके बाद जो कि आप अपनी तरफ से रिश्ते को एंड कर दोगे, क्योंकि डेथ का कार्ड आपके साइड से आया है, आप खुद इस रिश्ते को एंड करने वाले हो। फ्यूचर में आप नहीं चाहोगे इस रिश्ते में रहना। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि वो करंट में भी परेशान हो चुके, लेकिन इमोशंस है जो कि आपके इमोशंस आपको अकेलापन फील कराते हैं, और जो कि आज भी मतलब जो है ना आपका प्यार जो आपने सच में दिल से ट्रू लव किया था, तो वो आपको यकीन मतलब ये सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि नहीं तेरा प्यार सच्चा है और ये आएगा जरूर, इस तरह की एनर्जी से। इसी वजह से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, ये तो अभी भी दिल करता है मूव ऑन करने का, कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने बोला आप नियर फ्यूचर कन्फ्यूज रहोगे, लेकिन आगे के फ्यूचर में आप खुद इस रिश्ते को एंड करने वाले हो। ठीक है, या आपके पास आएंगे ज़रूर अपना रोता हुआ फेस लेके के आपसे माफ़ी मांगने के लिए सैड एनर्जीज में, उस टाइम पे आप इनको अच्छे से सुना के टाटा बाय बाय करने वाले हो। ठीक है, यही एनर्जीज है। तो जिसके भी साथ रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।